नए साल के स्वागत के जश्न में डूबी है, लेकिन झारखंड अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। हम बात कर रहे हैं 1948 के खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए अमर शहीदों की, जिन्होंने झारखंड की अस्मिता को अक्षुण बनाए रखने की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। बता दें कि देश अभी आजादी के जश्न का एक साल भी ठीक से नहीं मना सका था कि 1 जनवरी 1948 को कोल्हान रियासत के उड़ीसा में विलय किए जाने के विरोध में जुटे आदिवासियों पर खरसावां में एक सभा को तितर बितर करने के दौरान पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से गोलियां बरसाई गई, जिसमें अनगिनत लाशें गिरी। सभी लाशें आदिवासियों की थी। वैसे मौत का आंकड़ा आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। तब से लेकर आज तक कई सरकारें आई और गईं। खरसावां गोलीकांड की याद को अपने जहन में संजोए आदिवासी समाज अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने आज के दिन जरूर पहुंचते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी यहां पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने भी खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिजनों को ढूंढ कर उचित मुआवजा दिलाने की बात भी दोहराई। लोगों की जानें चली गई, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी। हर साल की तरह इस बार भी हम सब लोग अपने उन पूर्वजों को याद करने, उनके उस शहादत को अपने सीने में जगाए रखने के लिए एकत्रित होते रहे हैं। उसी का आज ये भी एक कड़ी हम लोगों ने फिर से जोड़ा है।